अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, डम्मी म्यूजियम से आए ज़िया मोहियुद्दीन साहब और मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे ऐसा लगता है मैं कोई क्लास चल रही है ना। क्लास ही चल रही है माशाल्लाह, देखो की क्लास में थी। जाहिर है पूरी दुनिया सीख रही है, बच्चों के नॉलेज में इजाफा हो रहा है, वरना इस दौर में इस तरह की बातें, इस तरह के शोज कौन करता है बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये सआदत हमें बख्शी है कि हम लोगों के इल्म में इजाफा कर रहे हैं और उसी बहाने हमारे अपने इल्म में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल हमारी अपनी मालूमात रिवाइव हो रही हैं। जी वो हमारे मौजूद मेहमान इंतजार कर रहे हैं, तारुफ करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी यासिर ख्वाजा। ख्वाजा साहब शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? नहीं सर। यूरोपी? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? जी। हाय मुत्तहिदा अमेरिका से है? जी जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वजह शोहरत शोबिज है? नहीं। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? बी है। यानी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है, ऐसा ही है? जी। चुनांचे वजह शोहरत कुछ और है, बिग बिजनेस है? बिग बिजनेस भी है। जराइम की दुनिया? जराइम की दुनिया। अच्छा जी, बिग बिजनेस से ताल्लुक है? जी। जराइम की दुनिया गीत में मौसिकार कौन है इस खूबसूरत कंपोजिशन का? जी रशीद। किस पे हुआ? सबिया सबिया खानम साहब। फिल्म क्या थी? वो नहीं पता। मौसिकार सिखा दिया। अच्छा जी, बिग बिजनेस से ताल्लुक है, बिग बिजनेस पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा ताल्लुक है। अब इसमें एक तो रॉस पेरो है, रॉस पेरो ने जी जी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा। ब्लूमबर्ग है? ब्लूमबर्ग इज अलाइव। क्या ये टेक्सास के कोई बिलियनेयर थे? नो सर। वो निकल गया ना, इज आउट। रॉकफेलर था? रॉकफेलर भी था। वो कितना पॉलिटिक्स को वो किया करता था। हां देखिए, पीरियड देख लें। पीरियड पे जाइए सर, पीरियड पे जाइए, वो ज्यादा अहम है। भाई साहब, इनकी वफात को 100 साल से ज्यादा हो चुके? 100 साल से ज्यादा नहीं, 100 साल से ज्यादा नहीं हो चुका। गोया 1922 के बाद इनकी डेथ हुई। रॉकफेलर की डेथ जो है वो 1920 के बाद, वो 20 के बाद है। बिल्कुल सही है। तो बड़ा सिंपल है ना, न्यूयॉर्क जाएं और यूएन की बिल्डिंग, रॉकफेलर सेंटर की बात कर लें। बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो। ऑयल बैरन मोनोपोली एक्ट का शिकार हुए, मोनोपोली एक्ट का शिकार हुए, टेडी रूजवेल्ट का विक्टिम बने। बिल्कुल। अच्छा जी, ये शख्सियत ऑयल बैरन थे बहुत बड़े? नहीं, ही इज नॉट एलिमिनेट्स रॉकफेलर। है तो बिलियनर कोई? स्टील बैरन थे कोई बहुत बड़े? नहीं। एंड्रू कार्नेगी भी किया? कार्नेगी हम कर चुके हैं, क्योंकि यही तो रैग्स टू रिचेस, तो यही लोग हैं। कितने सवाल हुए? 13 सवाल। 13 सवाल हो जी। ये एक चैप्टर है अमरीकी तारीख का सर। वो तो फोर है ना, वो तो 19 सेंचुरी में है। हाँ तो 19 पांच बड़े नाम आपने डेथ का ही है। डेथ हुई है ना ये? 1922। ओ, ये सारे वहां के कैरेक्टर्स। इसमें पांच लोग जो थे जी जी, जेपी मॉर्गन, गॉन्डी रॉकफेलर के बाद कार्नेगी, वैंडरबिल्ट। मेरा ध्यान हेनरी फोर्ड की तरफ जाता है। ऑटोमेकर पूछ लें। जाहिर है इन्हीं में ये बिलियनर्स यही हैं सर, या फिर ये जो मॉडर्न डे बिलियनर्स हैं। ऑटो इंडस्ट्री को पूछ लें। क्यों जनाब? काजल साहब ताल्लुक ऑटो इंडस्ट्री से है? जी। देयर यू आर सर, देयर यू। उनकी गाड़ियों में उनकी सबसे बड़ी इनोवेशन जो है वो असेंबली लाइन थी। जी। टी मॉडल फोर्ड उनकी गाड़ी थी जो बहुत मशहूर हुई, जिसने पहली ब्रेक दीवार में लग के की थी। जी जी भैया, आपने हेनरी फोर्ड पूछा है। अरे बड़ी अच्छी, और एक डॉक्यूमेंट्री है YouTube पे, द मेन हु बिल्ट अमेरिका। यस राइट, वो देखने के काबिल है। और एक चैप्टर है अमेरिकन हिस्ट्री में, वो जरूर पढ़िए, खास तौर पे यंगस्टर्स, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस।
कीथड़ों से पोशाक तक कैसे पहुंचे? पांच लोग वाह, बड़े बाकमाल लोग थे ये। वेरी गुड पर्सनालिटी ख्वाजा साहब, वेरी गुड। सो टाइम फॉर नेक्स्ट चैलेंजर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमास खालिद है। तो हमास साहब, आपका ताल्लुक लाहौर से है? मेरा ताल्लुक राजनपुर से है, लेकिन मैं यहाँ लाहौर स्टडी कर रहा हूँ। आप लाहौर में क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। शख्सियत मर्द? जी बिल्कुल। जिंदा? जी। ताल्लुक यूरोप से? नो। अमेरिका? जी बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से? नो। यंगस्टर्स मोस्टली जो पूछते हैं वो या तो कोई साउथ का क्रिमिनल पूछते हैं या कैरेबियन का क्रिकेटर पूछते हैं। साउथ अमेरिका पे जाएं। क्रिमिनल्स तो हमने सारे कर लिए खैर से। हो सकता है कोई नया पैदा हो गया हो। ये भी कैसे हो सकता है? नया पैदा हुआ और नेटफ्लिक्स को ना पता हो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है नया पैदा हुआ और मेरे घुटनों को हाथ लगा दिया? उसका मतलब है यू थिंक आई एम अ क्रिमिनल? नहीं नहीं बेटा, उन गलती कायम रहे। इनका ताल्लुक साउथ अमेरिका से है? नो नो। कैरेबियन? कैरेबियन। तो इज ही फ्रॉम द कैरेबियन? जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? यस। क्रिकेटर? इज ही अ क्रिकेटर? जी बिल्कुल। कैरेबियन अब शुरू। बहुत शानदार क्रिकेटर जो मिसिंग, जो अभी तक नहीं है, वो ब्रायन लारा है। मुझे अफसोस होता है कि मेरे जिगर ने उसको लारा नहीं गेंद, हुआ, गेंद क्यों मारा नहीं हुआ। लेकिन सर, उसे सर गेंद मारा हुआ है उसने। लेकिन सर उसके बाद उसने कहा था कि मैं ब्रायन लारा, वो बॉल उसके पास लेके गया, उसको उसने साइन किया कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने तुम्हें फेस किया था। शोएब अख्तर कहता है कि मुझे दुख हुआ था कि मैंने बाउंसर किया। लेट्स नैरो डाउन। बैट्समैन? इज ही अ बैट्समैन? बैट्समैन भी हैं। बैट्समैन भी हैं, क्योंकि ब्रायन लारा इज आउट। ये जो है ना, ये तो फिर गैरी सोबर्स इज अलाइव। गैरी सोबर्स तो सर बहुत पुराना, बट बैट्समैन एंड बॉलर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन गेल है, क्रिस गेल है, जो बहुत बड़ा बैटिंग ऑलराउंडर बॉलिंग। अच्छा जी, बैटिंग ऑलराउंडर है वो? जी बिल्कुल। बैटिंग ऑलराउंडर है, जिंदा है, रिटायरमेंट का पूछ लेते हैं। बैटिंग ऑलराउंडर है? बैटिंग ऑलराउंडर सर नए लोगों में समी एक है जिसे हम पूछ भी चुके हैं। समी तो हो चुके हैं, समी को पूछ चुके हैं। दूसरा क्रिस गेल। क्रिस गेल सर। इसके अलावा कोई काबिले जिक्र नहीं है, क्योंकि जब से खिजां का आलम है ना कैरेबियन पे, क्योंकि सारे क्रिकेटर्स यूनाइटेड स्टेट्स जा चुके हैं, या वो रेसर्स हैं, रनर्स हैं, बास्केटबॉलर्स हैं। हमने ये नहीं पूछा कि रिटायर्ड है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो रिटायर्ड की तरफ जा रहा है। अच्छा जनाब, इस वक्त क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं? यस। हेलो पीछे पल। यस रिटायर हुए 10 साल, क्या कहते हैं फिर से 10 साल रिटायर हुए हमास साहब? 10 साल से ज्यादा हो चुका है? जी बिल्कुल। देन इज एन ओल्ड टाइमर। अब उस पे आए, इब्तदाई कॉलेज किंग से करें सर, हार्ड हिटर था, सिमन से करें, बॉलर भी था, सिमन किंग होल्डिंग, एंड्रू रॉबर्ट्स ने वैसे बड़ी इनिंग्स अच्छी खेल के वर्ल्ड कप बचाया हुआ है हमें, 75 का वर्ल्ड कप, वरना हम ले दे गए थे। डेरिक मरे और एंड्रू रॉबर्ट्स कच्चा खा गए थे। राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर हमने अभी तक डिटरमिन नहीं किया। नहीं तो हमारे ज़हन में क्या, वहीं से नाम आएंगे ना आपके कि जी रोहन कनाई भी था बैटिंग ऑलराउंडर सर। वो इतना पुराना जो है ना, कन्हाई हो गया, सोबर्स हो गया, एंड कालीचरण हो गया, ये तो बहुत ही पुराने हैं। ये क्रिकेट के फॉसिल्स हैं वाकई उस दौर के। ये उस तरफ कम जाएंगे। क्लाइव लॉयड भी था। क्लाइव लॉयड आगे जो 75 खेलने वाले जो लोग हैं ना, जिन्होंने 75 का वर्ल्ड कप खेला है, ये ऑनवर्ड्स। वॉलेस किंग है, वैसे उसमें कन्हाई उसके बाद भी खेलता रहा है। जी सर। ये मेरा ध्यान जो है ना, पता नहीं क्यों जा रहा है विविन रिचर्ड्स की तरफ। ये कह सकते हैं जी इतनी विकेटें ली हैं उन्होंने, वो तो बड़ा अच्छा स्पिनर है। नहीं उसने ली हुई है विकेटें उसने, तो ऑल्दो बैटिंग एक तो सर का खिताब है जो बहुत कम लोगों के पास है। हाँ जी। वो भी एक है। फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ ताल्लुक है उनका, वो भी एक फैक्टर है। कीजिए सवाल कीजिए।
अच्छा जी, हमारे साहब इनका ताल्लुक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी है? नो नो वी विल आउट ओके वी भी बाहर। अच्छा जी, जो क्रिकेटर्स रिटायर्ड हुए, जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, पहले राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड ये डिटरमिन कर लें। जी कर लें, कर लें, कर लें। अच्छा जी, ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है? जी जी। हाँ हाँ, अब आगे ना लेफ्ट हैंडर्स, एक तो गैंग्स ओवर्स का नाम आता है, अरे फेरिस्ट उसी का दिन में उसका ये छक्के। अच्छा जी, अब लारा और सोबर्स ठीक है, वो तो ये हैं, लेकिन सर तीसरा क्लाइव लॉयड है। क्लाइव लॉयड भी बोल करता था, मीडियम पेसर था, कप्तान भी था, बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है, एंड ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल। सर बैट्समैन तो वो बहुत शानदार था और कप्तान इंतहाई लाजवाब था, इसमें कोई शक नहीं, दुनिया उसे बतौर बॉलर के कुछ ज्यादा नहीं जानती। बैट्समैन कह रहा है ना सर, वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ऑलराउंडर है, बतौर ऑलराउंडर नहीं जानती। बैटिंग ऑलराउंडर हमने कहा, बैटिंग ऑलराउंडर तो फिर सर ये एक नई इख्तरा है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं, बहुत से हैं उस दौर में जितने ये थे ना जी, ये बैट्समैन थे, बॉलिंग ओकेजनली कर लेते थे। चलो ये पूछ लेते हैं, वर्ल्ड कप के टीम की कप्तानी की थी? ये कर लें, वर्ल्ड कप टीम की कप्तानी ना की तो फिर मैं अगला क्वेश्चन मेरे पास तैयार है। हाँ। फिर नैरो डाउन हो जाएगा सोबर्स एंड लारा। ठीक है, क्या इन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग टीम की कप्तानी की थी? नो ब्रायन लारा या गारफील्ड सोबर्स। अब उस पे आ जाते हैं ना, हाईएस्ट स्कोर इन अ टेस्ट सिंगल इनिंग्स, दैट इज ब्रायन लारा, दैट इज, और दूसरा भी बहुत तगड़ा है, दूसरा भी तकड़ा है, लेकिन ये नहीं है ना हाईएस्ट स्कोर ब्रायन लारा सर। हाँ, ब्रायन लारा तो ये पूछ लें जी, हाईएस्ट स्कोरर है जी क्रिकेट के ये इन अ सिंगल टेस्ट इनिंग्स? नो नो गारफील्ड सोबर्स। अच्छा, नाइटहुड, नाइटहुड सर, गारफील्ड सोबर्स, नाइटहुड मिल चुका है इन्हें। यस सर, का लकब है ना इनके नाम के साथ? जी बिल्कुल। अच्छा, 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड सबसे पहले इन्होंने कायम किया था। हाँ जी, दिस वॉज फर्स्ट क्लास। और आपने सर गारफील्ड सोबर्स पूछा जी, बिल्कुल। तो सर गारफील्ड सोबर्स जी उस वक्त क्रिकेट खेलते रहे जब बहुत डिफरेंट क्रिकेट होती थी, टेस्ट क्रिकेट ज्यादातर होती थी और कुछ जो है इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी। उन्होंने कैरी पैकर सीरीज भी खेली और 6 छक्के कैरी पैकर सीरीज में उन्होंने लगाए थे, एंड ही वाज द फर्स्ट वन, और ही वाज द फर्स्ट वन, यस, और उसमें भी आई थिंक 4th छक्का था या 5th छक्का था जो उनका कैच होने लगा बाउंड्री पे, तो जो प्लेयर हो गया था सर बाउंड्री के बाहर, कैच नहीं हुआ ना, अगर वो बाउंड्री से बाहर गिर गया तो कैच नहीं हुआ, क्योंकि वो प्लेयर जो कैच ले रहा था उसने गेंद तो पकड़ लिया लेकिन बाउंड्री से बाहर थी, तो फिर आउट नहीं हुआ, कैच तो हो गया था। सर गारफील्ड के बारे में जो मखौल है ना वो ये कि एक ही वनडे मैच खेले जी और 0 पे आउट हो गए। वो शख्स जो आउट होने का नाम नहीं लेता था, आमतौर पे पुलिस बुलानी पड़ती थी कि भाई आउट नहीं हो रहा, घर जाए। फर्स्ट क्लास में 28,000 प्लस स्कोर करने वाला ये स्कोरिंग मशीन थी। क्रिकेट जब तक खेली जाती रहेगी जिन 5-6 बंदों को याद रखा जाएगा उनके सरखेल सर गारफील्ड सोबर्स। टाइम फॉर नेक्स्ट कसौटी। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मुआज। मुआज साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। लाहौर से, और क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, सो जी मुआज साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा है? नहीं। एशियाई है? नहीं। यूरोपी है? जी। ताल्लुक भैया मेनलैंड यूरोप से है? जी मेनलैंड नहीं है। मेनलैंड नहीं है, दैट मींस बर्तानिया है। इंतकाल को कितनी देर होगी? 100 साल पीरियड है सर। दूसरा उसका शोभा है, इंतकाल को मुआज साहब 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। तो आफ्टर 1922 50 साल पे जाना चाहिए फिर, क्योंकि अब अगर हाँ, हमने पीरियड को पकड़ा है 50 पे पकड़ ले। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। यस, तो 1972 के बाद
1972 के बाद की शख्सियत, 1972 के बाद इंतकाल की शख्सियत, ऐसा ही है ना जी? हाँ, बिल्कुल। और बरतानवी, बरतानवी। तो अब शोबे की तरफ चले जाएं, शोबे की तरफ चले। क्रिकेटर हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, बिल्कुल। ये तीन चीजें। चले स्पोर्ट्स से शुरू करें फिर। अच्छा जी, स्पोर्ट्समैन है कोई? नहीं। शोबिज से ताल्लुक है? जी जी। अच्छा जनाब, शोबिज से ताल्लुक, अगर शोबिज का है तो जाहिर है सर हॉलीवुड में होगा, बर्तानिया का जम्पल है तो फिर वहां पे होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि बरतानवी ही हो, फिर उसका ताल्लुक टेलीविजन से होगा। सर हमने अज्यूम कर लिया कि एक्टर है, उनका शोबिज की पर्सनालिटी। अब एक्टर पे करें। मां साहब जी, जी कोई एक्टर है ये? जी। तो रिचर्ड बर्टन की तरफ ध्यान जाता है सर बहुत ज्यादा, शॉन कॉनरी हम कर चुके हैं। अच्छा मां साहब, हॉलीवुड के शोरा फाक हीरोज में इनका शुमार होता है? नहीं नहीं। देन ही इज अ टीवी गाय, और अगर ये टीवी गाय है ना तो माइंड योर लैंग्वेज वाला मिस्टर ब्राउन बड़ी आम शख्सियत है, हमारे हवाले से बड़ी आम है क्योंकि माइंड योर लैंग्वेज वाज ऑल अबाउट अस। या हॉलीवुड से कोई हीरो, ये भी जरूरी नहीं कि मैंने हीरो कहा है ना, हो सकता है कि वो एक्टर भी हो सकता है। ये कैरेक्टर एक्टर है रिचर्ड हैरिस ने, अरे रिचर्ड हैरिस ने बड़े रोल्स किए हुए, रोल्स बड़े किए हुए, वो हीरो नहीं था, बड़ी बड़ी कमाल की वो किया है, ग्लैडिएटर की, ग्लैडिएटर। आर यू श्योर ही वाज अ ब्रिटिशर? या बस फिर रिचर्ड हैरिस की तरफ जाती है बात। लेकिन सर टीवी। अच्छा वजह शोहरत इनकी टेलीविजन था? नहीं, प्योर फिल्म। मसला हल हो गया। तो फिर हीरो नहीं है, तो फिर रिचर्ड हैरिस इज अ वेरी गुड केस फॉर दिस। के बाद बरतानवी अदाकारों में अब देखे ना, मिस्टर बीन्स वो तो वैसे भी हो चुका है, रोवन एटकिंसन, यस वो वैसे एटकिंसन इज अलाइव, अलाइव है। तो हॉलीवुड का सवाल भी आप कर चुके हैं। मैं हॉलीवुड का सवाल किया तो ही सेड नो, नो नहीं, आपने कहा कि मारूफ हीरोज में से, हीरोज में से। कॉमेडी पहले नाम सोच लेते हैं। नाम सोचें क्योंकि वो फॉल्टी टावर्स वाला जो है ना, हाँ बड़ा अच्छा कॉमेडियन, यस क्या नाम है उसका, गैरी लुइस, बट ही इज टेलीविजन, ही इज टेलीविजन, फॉल्टी टावर्स इज टेलीविजन, फॉल्टी टावर्स मॉन्टी पाइथन दोनों में वो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इज अमेरिका, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ सिली वॉक्स मॉन्टी पाइथन में एक तो वो है ना जिसने जिना का भी रोल किया, हाँ वो भी क्रिस्टोफर ली, क्रिस्टोफर ली अल्टीमेटली उन्हें हीरो निकला ना जे हॉलीवुड का। सर हीरो को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप। हीरो जब हम कहते हैं ना तो उसका नेसेसरीली रोल पॉजिटिव होता है। जी पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव तो फिर तो वो फिर हीरो है ना, हीरो के लिए जरूरी नहीं कि बोधा वाया हो और बड़ा स्मार्ट किस्म का टॉम क्रूज बना हो, नो हीरो जी, फिर आप हीरो कह सकते हैं इस तरह। तो फिर तो हम बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ा है। नहीं सर, सिर्फ उसके बाद आप दो स्टेशन पीछे रह गए भाई। सर एक सवाल उसके बाद आपने बस टीवी का किया था, तो फिर वो टीवी का सवाल वापस होगा जी, उसके बाद बस एक सवाल। Do you agree सर कि टीवी का सवाल आप हमें वापस करेंगे? जी बिल्कुल। इसके ऊपर टाइम लगा है, मुआज साहब ने हमें मुश्किलों में, मुआज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। अरे वाह मुआज भाई। अब मेन कैरेक्टर तो फिर हीरो हुआ ना, वो तो कह पीटर ओटूल है। पीटर ओटूल नहीं, पीटर सेलर्स की तरफ आप क्यों नहीं जाते? पीटर सेलर्स भी है, पिंक पैंथर वो कॉमेडी है। कॉमेडी तो कॉमेडी क्या कहती है सर, पीटर सेलर्स को मैं चाहूंगा। इवन पीटर सेलर्स इज अ हीरो, ही इज डेफिनेटली अ हीरो, सो इज पीटर ओटूल। पीटर ओटूल तो सर बहुत बड़ी कदावर शख्सियत है, जिसने उसका काम देखना है वो नाइट ऑफ द जनरल्स देखा, नाइट ऑफ द जनरल्स, जनरल टांस, जनरल टांस, हां जी हां, जनरल टांस को उसने इमॉर्टलाइज कर दिया। अच्छा सर इधर नैरो डाउन करें, उसका रोल कॉमेडी, कॉमेडी की तरफ। अच्छा जी, इज ही नोन फॉर कॉमेडी? जी सर, जी सर, पीटर सेलर्स, पीटर सेलर्स का कट आउट केस है सर। डडन 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 डडन। रंगीला बहुत याद आया अभी, हां जी हां जी, द पार्टी, द पिंक पैंथर, पूरी सीरीज है, कैसीनो रॉयल 1, कैसीनो रॉयल, शॉट इन द डार्क, ये भी बड़ी जी जी जी, पहली पिंक पैंथर फिल्म इज शॉट इन द डार्क, ये हो गया जी। The party से पार्टी, इससे जान छुड़ा लें पहले, फिर किसी और की तरफ। बिल्कुल, ये पिंक पैंथर सीरीज के साथ इनका ताल्लुक है? नहीं। आज भाई क्या बात,
तो वो भी है ना फिर आपका सर, वो ये जो नॉर्मन विजडम भी हो सकता सर, फिर चार्ली चैपलिन की तरफ जाएं। चार्ली चैपलिन डाइड बिफोर 72। आर यू श्योर? मेरा नहीं ख्याल सर, क्योंकि ये उससे साइलेंट फिल्म्स का हीरो, उससे बहुत बड़ा कैरेक्टर है सर। साइलेंट फिल्म्स का हीरो। अच्छा जी, साइलेंट मूवीज का कैरेक्टर था ये कोई? जी मसला हल हो गया। द ग्रेट डिक्टेटर से ज़हन में आते हैं ये साहब जी। चार्ली चैपलिन पूछा आपने। क्या कहने चार्ली चैपलिन, अरे वाह 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 वाह, बड़ी दुनिया। तो मां साहब, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही वाज अ हीरो, ही वुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ हीरो। वो दिलों में बसता है, बड़ा अहम कैरेक्टर है एंड अ वेरी गुड कैरेक्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अ वेरी गुड चैलेंज। थैंक यू, वाह वाह वाह। चार्ली चैपलिन के बारे में मैं बताता चलूं कि बारिश जब हो रही है, यार वो ना कहा करो, पता नहीं उस बेचारे ने ये कहा भी है। अच्छा यार, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसीब। कहाँ से ताल्लुक है हसीब साहब आपका? वैसे तो ताल्लुक साहिवाल से है, लेकिन अभी फिलहाल स्टडी से यहीं पे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? डेंटिस्ट बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, अभी हाउस जॉब चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? नहीं। यूरोप से? जी। एक यूरोपीय शख्सियत जो जिंदा नहीं है, मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक है? नहीं। यानी बरतानवी, फिर से बरतानवी शख्सियत। एक मुझे लगता है डॉक्टर साहब डायरेक्टली हॉस्पिटल से आ रहे हैं। जी। स्क्रब्स पहने हुए नीचे। ओह यस। दो डॉक्टर्स हैं, उनका नाम है डॉक्टर मतीन। ये बताइए कि ताल्लुक बरतानिया से, वफात को कितनी देर हो चुकी, और इलाका यानी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना जी? जी जी। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। 50 साल से ज्यादा हो चुका है, तो गोया 100 साल भी। 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। ओहो, ये 1922 से पहले, ये तो 22 से पहले की शख्सियत पूछ ली डॉक्टर साहब आपने। अच्छा जी, फिर इसी को फिर पहले नैरो डाउन करें टाइम। बिल्कुल। 200 साल, 500 साल पे जाएं? नहीं जाएं? पहले 200 से 19th century। फिर ये 19th सेंचुरी के इन्वेंटर्स में, 1822 इन्वेंटर्स में आ जाएंगे, और राइटर्स में आ जाएंगे, राइटर्स भी आ जाएंगे, इन्वेंटर्स भी आ जाएंगे। डॉक्टर साहब 200 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। इंतकाल को 200 साल से ज्यादा, यानी 1822 से, ठीक है। अब आए उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लें। जितना पुराना टाइम होता उतना ज्यादा इजी हो जाता है दिमाग में, ऐसी गल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइए डॉक्टर साहब, इनका ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था? नहीं। आहा, न्यूटन निकल गया। आहा आहा, फिर आप साइड पे हो जाए, फिर आप साइड पे। ये हम दोनों टैग टीम है। वाह वाह, मेरी बात। अच्छा जी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नहीं। आप ही आए हैं आगे। अच्छा जी। इल्म और फजल से ताल्लुक है इनका? जी। राइटर पोएट, ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर का भी नाम आ जाता है। यस। उसके बाद आपके पोएट्स भी आ जाते हैं। अच्छा जी, शायर हैं बहुत बड़े? जी शायर भी हैं। जी शायर भी। पता है क्या? हाँ। तो लोग शेक्सपियर को शायर मानते ही नहीं। हाँ, आई नो, सोनेट लिखे है ना? नहीं सर, सोनेट हो, सोनेट इज पोएट्री। हाँ आई नो, मैंने वो ड्रामा लिखा है ना, ये एक ड्रामा निगार शायर कैसे हो सकता? बिल्कुल, बट ही हैज सोनेट्स, ही हैज वारिस शाह शायर कैसे हो सकता? उसने तो हीर वारिस शाह लिखी, कहानी लिखी उसने, तो कहानी का उसलूब उस दौर में जो बेहतरीन होता था वो शायरी था। क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के पीरियड में। जी जी जी, 99 बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी। ये शेक्सपियर है सर। हां, देख लेते हैं विलियम शेक्सपियर, देख लेते हैं ड्रामा। और वो भी हो सकता है, क्रिस्टोफर मार्लो भी हो सकता है सर। बिल्कुल, मार्लो और ये मार्लो एंड कंटेंपरेरीज, बिल्कुल, और नेक एंड नेक है।
पहले तो आए जी ड्रामा पे आए ना, वो बहुत जबरदस्त है, ग्लोब थिएटर। अच्छा जी, बर्मिंघम के करीब है इनका घर? जी करीब है। अरे अब फिर जूलियस सीजर, मैकबेथ, हैमलेट, हैमलेट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हेलो, आपने ओथेलो के खालिक को पूछा है? जी। क्या सोचकर हम दोनों मतलब है क्या टुन बैठे हैं, इसको कि हम नहीं पूछ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। विलियम शेक्सपियर। इसी बहाने डॉक्टर साहब हमने एक बहुत बड़े राइटर को, क्या बात, बहुत बड़े राइटर का तذکرہ کرنا بھی اسے خراج تحسین پیش کرنے کے مترادف ہے, اینڈ یو ار انسٹرومینٹل ان اٹ, بوث اف یو ڈاکٹرز, تھینک یو, ویری گڈ۔ شیکسپیئر کے بارے میں جو دلچسپ باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے, پوئٹری اس کی, اس کا اصل نام شیکسپیئر نہیں تھا, ایک بڑا مشکل سا نام ہے جو مجھے بالکل نہیں آتا, بڑا پریشان کن نام ہے, اصل نام یہ ہے ہی نہیں۔ اس کا پین نیم ہے؟ جی اس کا پین نیم۔ دوسری بات, ہم کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ ابتدائی عمر میں ایک طویل عرصے تک ولیم واز ٹریٹڈ ایز اے گرل, ایز اے فیمیل چائلڈ, وہ یہ سوچتے تھے کہ اس کے بارے میں برا شگن یہ ہے کہ اس نے جلدی مر جانا ہے, اور موت کے فرشتے کو اوائڈ کرنے کے لیے, اس کو ڈیسیو کرنے کے لیے اس کو, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے کلچر میں بھی لڑکے کو بلانا ہو نا پیار سے, کیا کر رہی ہو, تو جیسے اس کی تانیس کر دیتے ہیں, جینڈر چینج کر کے۔ تو کپڑوں میں بھی اکثر نا ایک سٹائل کے فراکس سے پہنائے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا نا کہ یہ کپڑے تم نے, میں نے پوچھا تھا اس سے فیمینین سے پہنے, یہ سارے کے سارے فراکس اور لڑکیوں والے, تو پھر اس نے مجھے تفصیل بتائی تھی۔ اور وہاں پر اگر آپ برمنگھم جائیں تو یہاں ضرور جائیے گا, اس کا بیک یارڈ بڑی خوبصورت خالی جگہ ہے, سینٹر میں چھوٹا سا ایک چبوترا ہے, وہاں پر آپ اپنی مرضی کی لائنز بول سکتے ہیں, تھیٹریکلز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, پورا ویلیج انہوں نے, وہ کہتے ہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں, آپ کہیں کہ میں, یہ ہے سٹریٹفورڈ اپون ایون, جی جی, ایون از دا ریور, جی ایون از دا ریور, اور وہ چھوٹو سا ریور ہے, جی, اور وہ ریور بھی برائے نام ہے, اور اس میں سوانز ہوتی ہیں بے شمار۔ ٹائم فار دا نیکسٹ کسوٹی اف دا شو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آدریش عرفان۔ آدریش عرفان۔ اچھا آدریش صاحب آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ فیروز وٹواں شیخ پورہ۔ شیخ پورہ۔ تو آپ یہاں پر آئے ہیں کسوٹی کے لیے؟ ہاں سوٹی کے لیے آیا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ شخصیت زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ مرد؟ مرد۔ ایشیائی؟ ایشیائی۔ ساؤتھ ایشین؟ ساؤتھ ایشین۔ پاکستانی؟ پاکستانی۔ تعلق چوبیس سے ہے؟ نہیں۔ سیاست اور حکومت سے ہے؟ جی نہیں۔ سپورٹ سے ہے؟ نہیں۔ علم و فضل سے ہے؟ جی۔ سوال کتنے میں؟ سات۔ نو۔ نو نو ریپڈ فائر کیا نا آپ نے، پہلے پانچ آپ نہیں، ہم نے فوکس بھی تو کر لیا، فوکس کر، بس صرف تین چار ضائع ہوئے ہیں کہ شعبہ تلاش کرنے میں۔ بالکل۔ علم و فضل سے ہے تو پھر کوئی دانشور، دانشور جو زندہ ہے، یہ یقیناً میڈیا کی کوئی شخصیت ہوگی۔ جی جی جی، ایسا ہی ہے نا، شاعر ہو سکتا ہے یا قلم نگار، قلم نگار کوئی میڈیا کی کوئی شخصیت ہو، شخصیت زندہ ہے جی، تو اس لیے کوئی بڑا ناول نگار وہاں سوائے دو تین ناطق صاحب کے علاوہ کوئی مشہور ناول نگار زندہ کوئی نہیں، اس لیے ناول کو رول آؤٹ کر دیں، افسانہ بھی بہت کم، شاعر ادیب ہیں جو وہ بھی کم کم، بڑے شاعر سارے وہاں سوائے ظفر اقبال صاحب کے، اللہ انہیں حیات رکھے، وہ ایک ہے بس، باقی کوئی بڑا نام جو ہے، قاسمی صاحب، عطاءاللہ قاسمی صاحب از اے ویری بگ کالمنسٹ، شاعری کرتے ہیں لیکن۔ اچھا جی، وجہ شہرت شاعری ہے؟ جی ہیلو، شہرت شاعری ہے، وہ اردو یا پنجابی؟ نہیں جی، پہلے تو ہم یہ کر لیں کہ غزل کے، غزل نہ ہوئی نا، نظم ہوئی تو ڈیفینیٹلی پنجابی ہے۔ ان کی وجہ شہرت غزل ہے؟ جی غزل ہے۔ ہیلو، ڈیفینیٹلی ظفر اقبال ہے، ظفر اقبال کے علاوہ ہو نہیں سکتے کوئی۔
शेर पढ़ते हो? नहीं जी नहीं, ये भी हो सकता है कि ना हो। 30 से ज्यादा किताबों के खालिक हैं जी। अरे अरे क्या इस वक्त वो बेदिया में है? आपने इनकी बातों का जवाब नहीं देना प्लीज। आबे रवां के शायर को पूछा आपने जी? अरे अरे क्या वो, एक मिनट, तो उस पे कायम भी रहो, तो उस पे कायम भी रहो, भी रहो। पता नहीं क्या आपने कह दिया, तो नहीं है उस पे कायम भी रहो, झूठ बोला है तो कायम भी, तो उस पे नहीं है। अच्छा एक मिनट, झूठ बोला है तो कायम कायम भी रहो। आपके वालिद साहब, एक सेकंड, आदमी को साहेब किरदार होना चाहिए, होना चाहिए। तो दूसरा मिसरा तो हर बच्चे को भी आता है, पहला मिसरा सुना, अब सुनाओ, मैंने तुम्हें गाइड किया, बताओ। झूठ बोला है मुझसे लिखवा तो उस पे कायम भी रहो, देखा नहीं है। अच्छा मैं इनाम दूंगा, आप क्यों ज्यादती कर रहे हैं भाई? एक मिनट, अब ये चैलेंज हो गया है, झूठ बोला है तो उस पे कायम रहो, कायम भी रहो उस पर जफर। ये अल्फाज, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। जफर इकबाल पूछे जी आप। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनस भट्ट। भट्ट साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? नौशहरा। भट साहब ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? मर्द है जी हाँ। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? अमेरिका से है जी। ठीक है, अमेरिका से है तो रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका से है? नहीं जी। ये कहना कि कैरेबियन आइलैंड्स जो है कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका हो सकता है, सेंट्रल अमेरिका हो सकता है, सेंट्रल अमेरिका हो सकता है, कैरेबियन आइलैंड्स हो सकते हैं। ताल्लुक कैरेबियन आइलैंड से है जी? जी हाँ। कैरेबियन आइलैंड से है तो फिर सर, फिर तो वेस्ट इंडियन है, सीधा है ना शोबे पे जी। इज ही अ स्पोर्ट्समैन भट साहब? नो सर। वेरी इंटरेस्टिंग, कैरेबियन से ताल्लुक, क्यूबा भी आता है ना उसमें, तो फिडेल कास्ट्रो भी आता है। फिडेल कास्ट्रो आता है, हमने उस शख्सियत जिंदा नहीं है, स्टार्ट विद पॉलिटिक्स एंड तो वो तो फिडेल कास्ट्रो जी, अब उसी को पूछेंगे, बतिस्ता को तो नहीं पूछेंगे। नहीं, ताल्लुक इनका सियासत और हुकूमत से है जी हाँ। क्यूबन हैं जी ये? जी हाँ। इन्होंने क्यूबन रेवोल्यूशन लीड किया था? जी बिल्कुल, बतिस्ता के खिलाफ। जी जी, आपने फिडेल कास्ट्रो पूछा? जी हाँ। कमाल पर्सनालिटी पूछी आपने जी, बहुत उम्दा पर्सनालिटी, इसमें कोई शक नहीं। इसने वक्त डाले रखा था बे ऑफ पिग्स क्राइसिस में, बिल्कुल, किसको? जॉन एफ कैनेडी को। इसने लाके रशियन मिसाइल्स फिट कर दिए और सीधा टारगेटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स मेनलैंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी ना वो टाइम ऑफ फ्लाइट था मिसाइल जी, जी 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 जी, कि कोई वार्निंग नहीं, कोई टाइम नहीं, विद इन मिनट्स, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम पे वो पूरा नहीं उतरते थे, जिस पर एक थरथली मच गई थी, मसला बन गया था। और उधर निकिता क्रुश्चेव और जॉन कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी सुबह दोपहर शाम हॉट, वो क्या थी, हॉटलाइन? हाँ हॉटलाइन पे, हॉटलाइन। और इधर कैनेडी ने एक लाइन खींच दी थी ना कि जो रशियन शिप्स आ रहे हैं वो लाइन नहीं क्रॉस करेंगे, अगर वो लाइन क्रॉस करेंगे तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो क्वारंटीन जो है ना वो उस वक्त बड़ा उस दौर का, फिर बार बार इनका डिप्लोमेटिक मिशंस कहते थे कि भाई हम तो ना आपके साथ हैं ना उनके साथ हैं, तो रशियंस खुश थे, सोवियत्स इस पे बड़े खुश थे, लेकिन जॉन एफ कैनेडी कहता था कि अगर तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो फिर तुम मेरे दुश्मन। उसका बड़ा मशहूर फिक्र है कि इफ यू आर नॉट माय फ्रेंड्स यू आर माय एनिमीज। लॉयल्टी में ग्रे एरिया नहीं होता, या ब्लैक होता है या वाइट होता है। यही जॉर्ज बुश जूनियर ने यूज किया था, इधर यू विद अस जी, इधर यू आर विद अस और नॉट, सीधी सी बात है। फिडेल कास्ट्रो का जो बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, नॉन अलाइन मूवमेंट में भी उसका रोल था सर, इसी पे तो कहा था ना, पंचशीला साइन जब हुआ था ना नेहरू ने, बंडूंग कॉन्फ्रेंस में,
जब इंडोनेशिया में ये सारा सिलसिला किया तो ये एक बड़ा खास 1955 बड़ा ही आम था, उधर पंचशीला साइन हो रहा था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, सीटो सेंटो, इधर सीटो सेंटो, और यूरोप में क्या हो रहा था, वॉर्सा पैक्ट, क्या अलाइनमेंट हो रही थी, चेकर बोर्ड था सर। अच्छा, इस पे शतरंज खेलने को दिल चाहता है। फिडेल कैस्ट्रो का एक और जो जिस वजह से बहुत शोहरत है, CIA ने बहुत से प्लॉट्स बनाए थे उसको मारने, मारने के, असैसिनेट करने के, बड़े बड़े अजीब प्लॉट्स थे, एंड देन दे कुडंट, दे डिडंट सक्सीड, आइदर दे वर वेरी अनलकी या ही सरवाइव्ड, ही वाज वेरी लकी। ग्वांतानामो बे के ऊपर बड़े मसाइल रहे, अमेरिका ने खेड़ा छोड़ा नहीं, वो आज भी उन्हीं की प्रॉपर्टी है। बे ऑफ पिग्स जो है वो इन्वेजन थी क्यूबा की, इसी को बे ऑफ पिग्स कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज के एपिसोड, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।